हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल आई होप आप सब ठीक होंगे सो so, ये हमारी एंशेंट हिस्ट्री की लास्ट वीडियो है आज की फिर उसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे प्रीवियस वीडियो में हमने हर्षवर्धन डायनेस्टी या फिर वर्धना डायनेस्टी पढ़ी थी पोस्ट गुप्ता पीरियड जिसमें हमने काफी कुछ चीज़ें कवर कर ली थी जो इंपॉर्टेंट थी आज ये लास्ट वीडियो है संगम पीरियड या फिर साउथ इंडियन डायनेस्टी जिसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे संगम लिटरेचर साउथ इंडियन डायनेस्टी चोला चेरा पांड्यास वहाँ का लिटरेचर कैसा था कल्चर इकनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह फिर हमारी एंशंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी देन फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने की सोच रही हूँ पॉलिटी या फिर जोग्राफी फिर इकोनॉमिक्स भी हम कवर करते हुए चलेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ये सारी वीडियोज आप तक पहुँच सके और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना और ये हर वीडियो ना हर ये जो भी टॉपिक है ये सारे सीरियल वाइज हैं सब टॉपिक्स भी मैं कवर करते हुए चलती हूँ तो ये चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो यूपीएससी एस्पिरेंट हो या फिर कोई भी हिस्ट्री पढ़ने वाला स्टूडेंट हो सबके लिए ही काम आती है ये सारी चीज़ें तो आई होप आपको समझ में आए सो लेट्स स्टार्ट संगम एज बेसिकली फर्स्ट सेंचुरी से थर्ड सेंचुरी एडी तक का टाइम पीरियड है जो कि साउथ इंडियन हिस्ट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट uh, मतलब टाइम पीरियड माना जाता है और ये बेसिकली इसमें क्या था कि संगम लिटरेचर कम्पोज हुई थी इसीलिए फेमस है इसमें तीन संगम्स हुई थी और संगम्स रेफर्स टू द गैदरिंग और असेंबली ऑफ़ तमिल पोइट्स जिसमें वो सारे इकट्ठे होकर स्कॉलर्स प्रोड्यूस द सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ लिटरेचर जिन्होंने काफ़ी लिटरेचर वगैरह कंपोज किया या प्रोड्यूस किए सो वो होता है संगम तो संगम लिटरेचर वही हुआ जो वेरियस तमिल पोइट्स के द्वारा कंपोज की गई हुई पोएम्स हो गए टेक्स्ट हो गए जो संगम पीरियड यानी कि 300 हंड्रेड बी सी से थ्री हंड्रेड सी तक जो कंपोज किए हुए हैं वो संगम लिटरेचर है और सोर्सेज की बात करें तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है जैसे कि तोल का पैम्मा कंसिडर्ड द अर्लीस्ट ऑफ तमिल लिटरेचरी वर्क इनकी प्रनाउंसिएशन थोड़ी अलग है मे बी तमिल जो पीपल्स हैं जो साउथ के लोग हैं वो अच्छे से प्रनाउंस कर पाएँ बाकी आप यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं इनका और अगर दूसरे सोर्सेज की बात करें इनके अलावा तो द ग्रीक ऑथर लाइक मेगस्थिनि स्ट्रेबो प्ली एंड पटोलमी दशोका इंस्क्रिप्शन हथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन से हमें एज के बारे में पता लगता है सो so, अब हम बात करेंगे कि जो तीन डायनेस्टीज थी साउथ इंडिया की जो हमें पढ़नी है पांड्यास चोलास चेरा सबसे पहले बात करें चोलास की तो इनके किंगडम को चोला मंडलम भी कहा जाता है ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्या किंगडम के पास सिचुएटेड था बिटवीन पेनर एंड वेलर रिवर के बीच में इनका एम्बल जो है वो टाइगर था पहले इनकी कैपिटल उरेयूर थी जो कि कॉटन ट्रेड के लिए फेमस थी फिर बाद में इनकी पूहर जिसको कावेरीपट्टनम के नाम से भी हम कहते हैं वो हो गई और इनके जो एक अर्लीएस्ट किंग थे वो एलोरा एलो एलारा करके हैं श्रीलंका को जिन्होंने कन्क्वायर किया था और वहाँ पर पचास साल तक रूल किया था और फिर बाद में अगर इनके ग्रेटेस्ट किंग की बात करें तो वो मैन विद चेयर लैग हु फाउंडेड पुहर जिन्होंने कावेरीपट्टनम को फाउंड uh, किया था कैपिटल बनाया था और इनकी काफी एफिशिएंट आर्मी थी द चोला वर वाइब्ड आउट इन द अटैक ऑफ पल्लवास फ्रॉम द नॉर्थ पल्लवाज जो नॉर्थ के पल्लवाज थे उनके द्वारा मतलब ये डिफीट हो गए थे बैटल ऑफ वेनी करके होता है जिसमें डिफ, चेराज डिफीट हो गए थे पांड्याज थे और इलेवेन्थीफेन थे जो माइनर जो मतलब स्टेट वगैरह ना उन सब ने मिलके तो ये था हमारा चोलास किंगडम फिर आते हैं द पांड्यास के ऊपर तो पांड्यास के बारे में सबसे पहले मेंशन किया मैगस्थिनिज ने जिसने बताया है कि ये किंगडम ना पर्ल्स के लिए मोतियों के लिए काफ़ी फेमस था और इसकी टेरिटरी ऑलमोस्ट तमिलनाडु के ऊपर ये रूल करते थे रामानंद मदुराई तक और ये कि वेंगी जो रिवर है उसके ऊपर मतलब सिचुएटेड था ये बेसिकली पांड्या जो किंगडम है और इनके जो एक इम्पोर्टेंट रूलर थे इनके अर्लीस्ट नॉन पांड्या रूलर वॉज मुदुकुदुमई मुदुकुदुमई तो हो सकता है इसके प्रोनाउंसिएशन कुछ हो रहा हूँ बट आ, मैं यही बोल रही हूँ और इनके ग्रेटेस्ट पांड्या किंग की बात करें तो वो थे नंदू जिलियन जिन्होंने कोवलन ऑफ थेफ्ट भी जिनको कहा जाता है और इनकी जो कैपिटल सिटी थी वो मदुराई थी और इनका एम्बल जो था वो फिश था इनका एम्बल एम्बल इनमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है इन सारे किंग्स के तो आप एम्बल भी ध्यान रखिएगा इनके और पांड्याज रूलर्स के बारे में या पांड्या किंगडम के बारे में रामायण और महाभारत में भी मैंशन है और ये इनका डिक्लाइन शुरू हो गया था कालभ्रंश जो थे उनके इन्वेजन के बाद से ही लास्ट आते हैं चेरास इन्होंने ऑलमोस्ट जो केरला और तमिलनाडु का पोर्शन था वो ऑक्यूपाई कर लिया था इनकी कैपिटल थी वेन्जी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स जो थे वो मुजरिस और थोंडी थे मुजरिस पे जो रोमन थे उन्होंने अगस्तस का एक टेम्पल भी बिल्ड कर दिया था और इनके अर्लीस्ट और बेटर चेरा रूलर थे वो थे उद्यानगे उद्यान, उद्यान जनरल हो सकता है इनका प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो फिर ग्रेटेस्ट अगर इनके रूलर्स की बात करें चेरा किंग की बात करें तो वो थे सेनु गुट्टुवम और जिनको रेड चेरा भी कहा जाता था जिन्होंने नॉर्थ को नॉर्थ तक इन्वेड किया था गंगा को भी क्रॉस करने वाले ये पहले ऐसे रूलर थे और इन ये इन्होंने ना पत्तीनी कल्ट के लिए भी जाने जाते हैं कनंगी करके एक टेम्पल है वो भी इन्होंने बिल्ड किया कनंगी आइडल इनके माने जाते हैं तो ये थे हमारे टेराज फिर उसके बाद अब हमें देखना है जो सोसाइटी थी वहाँ की रिलीजन थे वुमेंस का क्या था सोसाइटी की बात करें तो फाइव फोल्ड डिवीजन था इनमें भी हिली ट्रैक्स हो गए पेस्टोरल हो गए एग्रीकल्चर हो गए कोस्टल डेजर्ट इन चीज़ों में डिवाइडेड थी इनकी सोसाइटी इनके नाम कुछ और हैं इसीलिए मैंने वो नाम प्रनाउंस नहीं किए क्योंकि हो सकता है प्रनाउंसिएशन गलत हो जाए और तोलक पवियम ऑल्सो रेफर टू फोर कास्ट जिसमें रूलिंग क्लास होती थी ट्रेड एंड कॉमर्स वाली क्लास होती थी एग्रीकल्चरिस्ट होते थे मतलब इनमें भी डिवीज़न था क्लास के बेसिस पे फोर कास्ट ऐसे डिवीजन देखने को मिलता है सोसाइटी में और अगर वुमेंस की पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे इतनी मेजरेबल नहीं थी वुमेन्स की वैसे तो क्योंकि उनको ना पढ़ाई के लिए इंक्रेज किया जाता था काफ़ी इंपॉर्टेंट वुमेन पॉइंट्स भी हैं उस टाइम की तमिल के सॉरी संगम पीरियड के टाइम की अवियर और बाकी ये जो भी नाम है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए बट जो विडोज़ होती थी उनकी लाइफ वैसे भी मिजरेबल uh, टाइप थी रिलीजन की बात करें तो इनके प्राइमरी डिटी मुरुगन करके होते थे द हीरो स्टोन और नाडू कल वर्कशिप करते थे ये सिग्निफिकेंट वॉज इरेक्टेड वही आइडल वर्कशिप होती थी पूजा पाठ उन सब में इनका पूरा वो था फिर अगर इसके पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें हेरिडिटरी मोनार्ची वॉज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हेरिडिटरी मोनारची थी और काफ़ी कैरे कैटेगरीज में डिवाइड थी इनकी जो ऑफिशियल्स की बॉडी थी जो इनको असिस्ट करती थी किंग को जिसमें मिनिस्टर्स हो गए अमाइटर प्रिस्ट हो गए एन हो गए मिलिट्री कमांडर्स हो गए सेनापतिज और स्पाइस भी थे ओर आर और द चीफ सोर्स ऑफ स्टेट इनकम वॉज लैंड रिवेन्यू और अगर जो इनका चीफ सोर्स की बात करें तो वो लैंड रिवेन्यू था फिर अगर इनकी इकोनॉमिक की बात करें तो अग्रेरियन इकोनॉमिक थी इनकी राइस वॉज द मेन क्रॉप क्योंकि अब आज के टाइम पे भी हम देखते हैं कि साउथ में सबसे ज्यादा राइस की मतलब जो है ना वो साउथ में मिलता है डिमांड तो वही वो इनका राइस मेन क्रॉप था हैंडीक्राफ्ट इंक्लूडिंग वीविंग मेटल वर्कस कारपेंट्री शिप बिल्डिंग ये सारी चीज़ें काफ़ी मतलब होती थी संगम एज में साउथ इंडिया डायनेस्टीज में फिर कॉटन क्लोथ वोवन एट उरे वर इन ग्रेट डिमांड इन वेस्टर्न वर्ल्ड द पोर्ट सिटी ऑफ पुहर बिकेम एन इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ फॉरेन ट्रेड और ये जो साउथ की जो डायनेस्टी है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी फॉरेन ट्रेड्स के लिए क्योंकि ना इन यहाँ से काफ़ी ये उससे हमारा इंडियन ओशियन हम देखते हैं उससे मिलते हैं तो सी ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होती थी यहाँ के जो पोर्ट्स थे ना वो काफ़ी फ्लोरिश हुए थे इसी वजह से यहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छी होती थी फिर इसका एंड कैसे हुए द एंड कैसे हुआ द संगम पीरियड स्लोली विटनेस रेट्स डिक्लाइन टूवर्ड्स द एंड ऑफ थर्ड सेंचुरी ए डी कालभ्रंश हमने देखा था पांड्याज में जो इन्वेजन हुए उसके बाद से इसका इन डिक्लाइन होना शुरू हो गया थ्री हंड्रेड से सिक्स हंड्रेड के बीच में सो so, इसी के साथ हमारी संगम एज भी कम्प्लीट होती है ये सब कुछ अब एंशंट हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर कोई टॉपिक छूटा हो मेरे से या आपको कोई लगता हो कोई टॉपिक बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैं उस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना दूंगी आई होप आपको समझ में आयो अब नेक्स्ट वीडियो से हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे